प्रदेश के खनिज संसाधन और नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह एक दिवसीय दौरे पर नर्मदापुरम पहुंचे। इस दौरान वे नर्मदा महाविद्यालय के सामने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि राजपूत समाज एक वो समाज है जहाँ पर उसको शासन करने के लिए सौंपा गया था, और उस समय वो दिन भी हमें मालूम है जो हम इतिहास में पढ़ते हैं। कई लोगों ने हमारे बीच से कई आहुतियां दी हैं। आज सिर्फ उसमें आहुति देने वाले वीर भर ही नहीं थे बल्कि वीरांगनाएं भी रहीं, जिसमें कई लोगों ने अपनी आहुतियां देकर आज जो भारत का हमारा वर्चस्व कायम हुआ है, यह हमारा हिंदू धर्म जो कायम हुआ है, उसमें राजपूत समाज का भी एक बड़ा योगदान है। कार्यक्रम के दौरान सांसद राव उदय प्रताप सिंह, नर्मदापुरम विधायक सीता शरण शर्मा, सुहागपुर विधायक विजयपाल सिंह सहित भारी संख्या में राजपूत क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि नर्मदा कॉलेज के सामने स्थापित 13 फीट लंबी इटालियन मोम पद्धति से बनी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया। प्रतिमा के अनावरण की तैयारी जिला क्षेत्रीय राजपूत परिषद और करणी सेना द्वारा की गई। प्रतिमा के अनावरण के दौरान डिजिटल और विशेष प्रकार की लाइटिंग से प्रतिमा स्थल को सजाया गया। साथ ही लोकार्पण के दौरान शहरवासियों के लिए आकर्षक लाइटिंग की गई। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के दौरान क्षत्रिय राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals. Join India's premier skill based university, Rabindranath Tagore University.